सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की चर्चा करी थी बेटा, याद है लास्ट में हम लोगों ने चर्चा करी थी इसके बारे में? कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दो फटाफट। कोई बच्चा कुछ कमेंट करना चाह रहा हो कि लास्ट चर्चा में कोई दिक्कत रही हो? चले, तो गैल्वेनोमीटर बेटा क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक बहुत शानदार सी डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो करंट को नापती है। लेकिन करंट कितना नापती है? बहुत छोटा करंट नापती है। क्यों नापती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक क्वाइल मैग्नेट, ये मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और जब भी इस क्वाइल के थ्रू यहाँ पर करंट पास होता है तो इस क्वाइल पे एक फोर्स लग जाता है, टॉर्क लग जाता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो टॉर्क लगता है वो आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट में, टॉर्क के करस्पॉन्डिंग बात की होगी एम क्रॉस बी। टॉर्क याद है, हम लोग ऐसे पढ़ते थे एम क्रॉस बी, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता था एन आई ए क्रॉस बी, और वहां से हम लोग टॉर्क डिफाइन कर पाते थे। तो जो टॉर्क होता है दैट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा अल्फा होगा, उतना ही ज्यादा ये घूम रही होगी, उतना ज्यादा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक टॉर्सनल पेंडुलम की तरह बिहेव करते हैं। तो ये इसको पीछे ले जाने की कोशिश करता है, टॉर्सनल पेंडुलम से ये इसे आगे ले जाने की कोशिश करता है, जो टॉर्क है टॉर्सनल पेंडुलम इसे पीछे लाने की कोशिश करता है, और इसी कहानी में पूरी की पूरी कहानी सेट हो जाती है। ठीक है भाई, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीजें ये सब आपसे बात कर ली थी, अमीटर, हमेशा अमीटर जो होगा उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस, बहुत छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में एक बहुत लार्ज रेजिस्टेंस लगाया जाता है, सॉरी बहुत लार्ज रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सी गलत हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली थी। अमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको समझाया भी था बेटा क्या करना होगा, अमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक अमीटर कैसे बनता है। एक अमीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर एंड अ शंट। लेक्चर पहले पढ़ा हुआ है इसी पर बेस्ड, आप देख लीजिए, वन शॉट इंस्ट्रूमेंट पर एक पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताएं। गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड द रीड्स फुल स्केल व्हेन 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड। जल्दी से क्वेश्चन आपके दिमाग में ले आता हूं फटाफट, और वापस वहीं पे चले जाएंगे। और बोला गया है कन्वर्ट करना है इसको 10 एम्पियर के करंट में। क्या फॉर्मूला याद रखोगे? आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखना है, दैट आई जी इंटू आर जी दिखाई पड़ रहा है, इट मस्ट बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आई जी इंटू आर जी इट इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कंप्लीटली, आपका पिक्चर बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे? आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, शंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। तो आई जी की वैल्यू कितनी रखी? आपने बोला कि ये है गैल्वेनोमीटर 20 ओम रेजिस्टेंस है, और उसका फुल स्केल वेन 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड। तो इसका मतलब करंट कितनी जा रही होगी फुल स्केल में? तो आप बोलेंगे फुल स्केल का मतलब होगा मैक्सिमम करंट पास हो रहा होगा। तो आई मैक्स का वैल्यू कितना हो गया बेटा? तो 0.2/20 इट इज इक्वल टू 0.0 एम्पियर। ये तो मैक्सिमम करंट हो गया कि नहीं हो गया? अब अपने यहाँ वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, आंसर को सटासट खींच सकते हैं, क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस पता है 0.01 एम्पियर इंटू आर जी हो गया 20, इट शुड बी इक्वल टू करंट कितना चाहिए आपने कहा 10 एम्पियर। तो 10 माइनस आई जी 0.01 इंटू आर एस, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो आप आर एस को बोल सकते हैं, 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, तो 0.01 × 20/10। आपको पता 10 माइनस 0.01 करेंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत का तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक बात, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.02 ओम रेजिस्टर्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, द वैल्यू विल बी 0.02 ओम। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब क्वेश्चंस कल हम लास्ट टाइम हम लोगों ने कर लिए थे बेटा। अगर आप लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएं। और अब उन्हीं सब क्वेश्चंस के आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपना
यहां से क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे पोटेंशियोमीटर पर बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर गिविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या बताया, गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस दे दिया क्या, तो मतलब आपको आरजी की वैल्यू पता है। देखो सिंपल, जल्दी से देखें, अटेम्प्ट करो और जल्दी से समझो इस क्वेश्चन को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है लेकिन उसको कोशिश करें, अभी आप ना देखें, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। सॉल्यूशन धोखे से आ गया, पता नहीं कैसे प्रेजेंटेशन थोड़ा गलत बना दिया उस बच्चे ने। तो गैल्वेनोमीटर क्या हो गया बेटा, ध्यान से देख ले, आरजी की वैल्यू मिल गई आपको, सिंपल सा अपना जो फॉर्मूला अपन को पता है क्या बोला गया है, अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वायर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। तो आईजी की आईजी मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपको पता है आईजी मैक्सिमम हो गया 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 × 10⁻³। आरजी की वैल्यू पता चल गया आपको 100 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर गिविंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो V बराबर फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा, Ig into Rg plus Rs। पोटेंशियल कितना चाहिए 10, Ig करो कितनी होगी 1 × 10⁻³ into गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 plus Rs, शंट रेजिस्टेंस आपको यहां निकालना है, 10⁻³ 10 चला जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा, मतलब 10,000 इक्वल्स टू 100 plus Rs हो जाएगा, तो यहां शंट रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी 9900 ओम, राइट। तो जेई मेंस का 2020 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से रखेंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और इसको बहुत ध्यान से देखिए और बहुत इंपॉर्टेंटली समझने की कोशिश कीजिएगा, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। बताएंगे, अ कैंडिडेट कनेक्ट्स अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी अ मूविंग कॉइल अमीटर ए एंड रेजिस्टेंस आर एज शोन इन द फिगर, इफ द वोल्टमीटर रीड्स 20 वोल्ट एंड द अमीटर रीड्स 4 एम्पीयर आर इज, रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अब ध्यान समझना इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। करंट बेटा अगर इसने आई रीड करी बेटा, तो यहां पर जो वोल्टमीटर की रीडिंग होती है एक्चुअली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप समझिएगा बेटा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था आई आर, बट एक्चुअली वोल्टमीटर क्या रीड करता है, तो आप बोलेंगे सर देखो वोल्टमीटर से जो करंट जाएगी वो आई जी करंट जाती है, और इससे करंट कितनी जाएगी, आप बोलेंगे आई माइनस आई जी, मतलब रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जो होगी इट इज करेस्पॉन्डिंग टू आई माइनस आई जी इंटू आर, मतलब ये जो वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही होगी ये थोड़ी कम आ रही होगी, होनी कितनी चाहिए आपने कहा एक्चुअल होनी चाहिए थे आई आर,
कितनी रही, आप बोलेंगे आई माइनस आई आर, आई माइनस आई जी इंटू आर। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता तो इसकी वैल्यू हो गई 20, तो आर कितना होता, आप बोलते आर होता 20 अपॉन आई, कितना आया आपने कहा 4 माइनस आई जी। तो अगर मैं आर की बात करता तो रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 5 ओम होगा, जो आप वोल्ट मीटर इस असेंबली से, क्योंकि वोल्ट मीटर आर नॉट द आइडियल वन, इस बात का हमेशा दिमाग में रखिएगा बच्चे, वोल्ट मीटर जो होते हैं ये आइडियल नहीं होते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करंट फेच करते हैं सर्किट के साथ, इसलिए इनका जो रिजल्ट होते हैं ये एक्चुअली करेक्ट रिजल्ट नहीं होते, अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत सिंपल सॉल्यूशन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो मेजर किया जाएगा वैल्यू वो ग्रेटर देन 5 ओम होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 में, देखने में इतना भारी क्वेश्चन लगता है, ऐसा लगता है क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप मजा आ जाएगा। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते साथ में मिलके, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 0.006 एम्पियर करंट बाई कनेक्टिंग इट टू अ 4990 ओम रेजिस्टेंस, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 30 वोल्ट इफ कनेक्टेड टू अ 2N/249 ओम रेजिस्टेंस, इट बिकम्स एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 1.5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ एन इज। बताओ भाई लोग, चलिए बेटा, तो अब अगर हम देखें तो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दे दिया गया, 0.06 एम्पियर। तो आप पहले आईजी मैक्सिमम की वैल्यू लिख दिया आपने, ध्यान से देखते रहिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आराम से आपको करना है। ठीक है, बाई कनेक्टिंग इट टू 4990 ओम रेजिस्टेंस, इट कैन कन्वर्टेड इन टू द वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 30 वोल्ट, मतलब 30 वोल्ट मैक्सिमम नाप सकता है। तो वी मैक्स कितना हो गया, आपने बोला 30, और ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे आई जी इंटू आर जी प्लस आर एस। ठीक, इसी के तो बराबर होता है बेटा। तो अब यहां से पहला फॉर्मूला आप पुटअप करेंगे, तो आप 30 की वैल्यू कितनी आ गया, आप बोलेंगे 30 इज इक्वल टू 0.006। तो आप इसको अगर जब भी ऐसे वैल्यूज दी जाए तो आप इसको इस तरीके से लिखते, 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3 इंटू आर जी प्लस आर एस, तो आप यहां से 6 6 5 30 5 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू आर जी प्लस आर एस। आर एस के लिए संट कितना दे दिया आपने कहा 4990, 4990, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोल देंगे 5000 -4990, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। अब मुझे क्या मिल गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है मेरे भाई, अब आपको क्या चाहिए, आपने बोला इफ इट इज कनेक्टेड टू दिस रेजिस्टेंस इट बिकम्स द अमीटर ऑफ द रेंज ऑफ 1.5 एम्पियर। तो आपको अमीटर के लिए क्या फॉर्मूला याद, आई जी इंटू आर जी, इट मस्ट बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ये तो लिखते हैं। आई जी कितना हो गया आपने कहा 6 × 10 की पावर -3, आर जी कितना हो गया आपने कहा 10, इट मस्ट बी इक्वल टू आई मतलब हो गया 1.5 - 6 × 10 की पावर -3 इंटू आर एस, ये हो गया आपका सेंट रेजिस्टेंस। तो आप आर एस की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, तो 6 × 10 की पावर -2 / 1.5 × 6 × 10 की पावर -3, ये आपका आर एस आ गया। अब आप वैल्यू को पुट अप करिए, कंपेयर करिए, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, जल्दी से सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फटाफट पूछ लीजिए।
अब बात कर रहे हैं बेटा मीटर ब्रिज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत अच्छा कंसेप्ट। दिस इज बेस्ड ऑन द व्हीट स्टोन ब्रिज। द कंसेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज और उसी पर बेस्ड हम लोग बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड बी आपको बताया गया है। आपको बहुत सिंपल सी बात है, इसका यूज क्या है, अननोन रेजिस्टेंस को नापना है। ठीक है, कैसे नापेंगे इसको, हम हेल्प लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स में यहां पर क्या होता है, यहां पर आप नोन रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ इस तरीके का डब्बा होता है बेटा, ऐसा एक बॉक्स होता है प्रॉपर, इसमें मल्टीपल स्विचेस होते हैं, ऐसे कई सारे स्विच बने होते हैं। आप जिस भी स्विच को, जिस भी प्लग को निकाल लेंगे वो रेजिस्टेंस यहां लग जाएगा। मतलब जैसे ये स्विच बना हुआ है और आपको इस स्विच पे लिखा हुआ है कि ये स्विच जो है ये 10 ओम का है, तो आप जब इस स्विच को बाहर निकालेंगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 ओम का आ जाएगा। आपने यहां बगल में 100 ओम का भी निकाल दिया तो 110 ओम का हो गया। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, मतलब जस्ट बाई पुलिंग आउट द प्लग्स। आप प्लग को पुल आउट कर लेंगे, अपने आप रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर तो हो गया हमारा नोन रेजिस्टेंस, ये हमें अननोन जिसको निकालना है, तो हमें बाई हेल्प ऑफ विच अपन को पता है किसकी हेल्प से बेटा, विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कि अगर इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है इसका मतलब रेशियोज जो होंगे वो बराबर होंगे। तो आपको पता है बैट पी बाई आर इट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाई एक्स, राइट, अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं कि आप देखो ये तो वायर हो गया बेटा, तो वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ के ही है, क्योंकि रो और ए तो कॉन्स्टेंट हो, अगर वायर सेम यूनिफॉर्म बना हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि भैया जो रेशियो लेंथ का होगा वही रेशियो रेजिस्टेंस का भी होगा। तो अब आप यहां से इसके नोन रेजिस्टेंस को आप यहां से बोल सकते हैं आर नोन अपॉन आर अननोन, इट इज सिंपली इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। और आप यहां से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, एल की वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और उस वैल्यू को हम पुट अप करके आंसर निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और आंसर निकालेंगे। चलो, इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, इट रिमेन्स जीरो, कब तक ये जीरो रहेगा ये आपसे पूछा गया है, बताएं भाई जल्दी से देखें। बताएंगे बेटा मेरे, इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करंट। अब आपको बहुत सिंपल सी चीज है, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से बनेगा, जो बातों का ध्यान रखना है वो समझेंगे। R1, R2, R3, R4, आपको पता है कि अगर ये रेशियो इक्वल होते हैं तो गैल्वेनोमीटर से करंट सेम। अब गैल्वेनोमीटर ए, अब जंक्शन पॉइंट ए बी सी डी देखिएगा बेटा, आप बैटरी ए सी के बीच में लगा दें तो आपको तो रेशियो सेम है, तो R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 है। तो अगर आप ए सी को चेंज करके बी और डी में ले आते हैं, मतलब आप गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा देते हैं और
बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। आप बोलेंगे बैटरी यहां पर हो गई, गैल्वेनोमीटर इनके बीच में हो गया, तो सिचुएशन तो वही होगी। मतलब अगर आप इसको तरीके से देखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिए आप कैसे कर दिया। आप बोलेंगे सर देखो कुछ आपने नया काम तो नहीं किया, अब आपने गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिया, मतलब अब बाहर से लगा तो थोड़ा अलग सा लग रहा था, अंदर से देखेंगे तो बिल्कुल वही दिखाई पड़ेगा। आपने कहा ये देखो तो अभी भी सिचुएशन यही है, R1/R2। तो आप बोलेंगे आप देखो सिचुएशन ऐसी तो कि R1/R2 = R3/R4, तो अगर ऐसा भी है तो ये भी तो इक्वली है, R1/R2 = R3/R4। तो आपने कहा अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में चेंज कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं आती, बैटरी की में बढ़ा दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया बीटे स्टोन तो बैलेंस का मतलब बैलेंस ही है, ऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज बाई 10 हो। आपने कहा इसमें दिक्कत हो जाएगी, मतलब अगर R1/R2 = R3/R4 है, लेकिन इसका कोई ये मतलब तो नहीं कह सकते ना बेटा कि R1+10/R2+10 = R3+10/R4+10, ये तो नहीं कह सकते ना। तो अगर ये नहीं कह सकते हैं तो इस चीज के अपन को ध्यान से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर तो बता दें। द बैटरी और कैलेंडर इंटरचेंज, आपने कहा बिल्कुल ठीक होगा, आप मेड 5 टाइम्स, आपने कहा 5 टाइम्स कर दोगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो 1 3 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। फिगर शोज अ मीटर वेव सर्किट विद द ए बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड एक्स इज इक्वल टू 12 ओम एंड आर इज इक्वल टू 18 ओम एंड द जॉकी आर इज इन द पोजिशन ऑफ बैलेंस। इफ आर इज नाउ मेड 8 ओम थ्रू वॉट रेजिस्टेंस विल जे हैव टू बी मूव टू ऑब्टेन बैलेंस। बताएं एक्स दे दिया 12 ओम, ये दे दिया 18 ओम, इसका मतलब लेंथ का रेशियो क्या होगा। आप बोलेंगे ये L1 हो गया, इधर L2 अगर हो गया तो मैं यहां से बोल सकते हैं 12/18 = L1/L2, इट इज इक्वल टू 3/2/3, सॉरी तो 2/3, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि L1 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, हो गया 100 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है, और L2 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब अगर बेटा यहीं पर आपसे पूछा गया R इज नाउ मेड 8 ओम, अगर अब इसको 18 से कहां कर दिया 8 ओम कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 12/8 = L1/L2, तो अब ये वैल्यू कितनी होगी। आप बोलेंगे अगर इसको 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अब अगर ये 4/3 हो जाएगा तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 3:4 के रेशियो डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 3/2, आई एम सॉरी उल्टा लिख दिया, 3/2 हो जाएगा। तो अब 3/2 को डिवाइड करेंगे तो अब पहले 2/3 था, अब क्या हो गया 3/3, तो L1 कितना हो गया। आप बोलेंगे अब L1 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और L2 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, मतलब अब ये यहां से कितना आगे शिफ्ट होगा, तो आप बोलेंगे अब यहां से 20 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे L1 की वैल्यू 60 हो जाए और इसकी वैल्यू 40 हो जाए, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। जल्दी से नेक्स्ट आंसर, जे एडवांस 114 पेपर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखें आंसर बताएं। बताएंगे बेटा जेई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और फटाफट आंसर बता दीजिए। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज अ नल पॉइंट व्हेन द जॉकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर यूजिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 वॉट एज शोन इन द फिगर। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज इन मीटर ब्रिज इज 1 mm, द अननोन रेजिस्टेंस इज, अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा अगर जो मीटर ब्रिज में स्केल यूज की गई उसकी लीस्ट काउंट 1 mm है, तो बताओ भाई फटाफट आंसर। ये 90 वॉट गलत लिख दिया, ये ओम है बेटा, है ना, ये वॉट नहीं ओम है।
बेटा यहाँ 40 सेंटीमीटर, यहाँ 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एरर की हमको बात और करनी पड़ेगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे आर अपॉन 90 इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 40 अपॉन 60, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, और अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 90 × 2/3, तो यहां से आ जाएगा इट इज 60 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आ गई 60। अब दो ऑप्शन है ए और सी, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ये कैसे निकालें, तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर एरर। तो आप यहां पर देख सकते हैं सिंपल सी चीज, क्या पता एक्स बाई आर इज इक्वल टू 12/100, तो आपको ये तो 60 ओम तो आ गया। अब एरर की जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो कैलकुलेशन एरर की बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान से देखेंगे। तो रेजिस्टेंस अननोन जो हो गया वो कितना हो गया, 90 × L/100 - L। अब अगर मैं इसको ध्यान से घूरू, तो इन दोनों में ही एरर जो है वो कितने की है, 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है, क्योंकि आपको दिया गया लीस्ट काउंट जो है लेंथ को मेजर करने के लिए 1 mm की हो सकती है, सॉरी कितना सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर की एरर पॉसिबल है। बच्चे मेरे ध्यान से देखेंगे, तो अब रेजिस्टेंस डी आर अपॉन आर, जैसे यहाँ पर आर की तरह से लिखा है, तो डी आर अपॉन आर हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 90 तो फिक्स वैल्यू, उसमें तो कोई एरर हो नहीं सकती, इन दोनों में एरर होगी तो एल की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा एरर का लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर, और टोटल वैल्यू हो गई 40 + 100 - L की वैल्यू का लीस्ट काउंट भी 0.1 और वैल्यू हो गई 60। तो आप यहां से डेल्टा आर या डी आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 0.1/40 + 0.1/60 इंटू रेजिस्टेंस क्या हो गया 60, से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल के आ गया, तो 0.1/40 + 0.1/60 × 60 यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी 60 कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2/3/2 हो जाएगा, 0.15 + 0.1 दैट गोज टू 0.25, राइट। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द एरर इन टू द कैलकुलेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हो गया पोटेंशियोमीटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी की नजर से, जेई मेंस की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, एक बैटरी होती है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बैटरी जनरली बड़ी होती है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो, ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें, बैटरी विद हायर पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक एबी होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। जनरली ये वायर आपको यूनिफॉर्म गिवन होता है, कैसा गिवन होता है बेटा ये पोटेंशियोमीटर वायर, तो आप बोलेंगे ये जो वायर होता है ये जनरली आपको यूनिफॉर्म दिया होता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कैसा होगा, आप बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल अपॉन ए। कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट इट वर्क लाइक अ पोटेंशियल डिवाइडर, कैसे काम करता है बेटा ये, पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए बेटा ये बैटरी है 100 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लीजिए कि 5 ओम, और इसका ये रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम, ठीक है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि सर बैटरी के इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं सारी चीजों को समझाऊंगा और इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा। तो VA माइनस VB, तो आप बोलेंगे हायर पोटेंशियल पर होगा, आप यहां पर करंट निकाल सकते हैं, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 100/25 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस होगा 4 × 20 मतलब 80 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आप बोलेंगे 80 वोल्ट होगा। अच्छा मैंने कहा, अच्छा मुझे बता कि अगर मैं सी पॉइंट एग्जैक्टली बीच में चूज कर लूं मिड पॉइंट पर, तो पोटेंशियल बिटवीन VA माइनस VC कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो लेंथ अगर आपने आधी कर दी तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, मतलब A और C के बीच का रेजिस्टेंस सिर्फ 10 ओम का ही तो होगा, तो आप बोल सकते हैं यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो 40 वोल्ट का हो जाएगा, मतलब 10 × I दैट इज 4 × 10, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेंथ में छोटा करता जाऊंगा, पॉइंट अगर सी को मैं शिफ्ट करूं तो उसी हिसाब से पॉइंट ए और सी के बीच का पोटेंशियल चेंज हो सकता है। अगर आप सी को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, सी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, और लीनियरली चेंज हो रहा होगा, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, तो हम बोल सकते हैं
कि इसके पर यूनिट लेंथ पर, मान लीजिए कि इसकी लंबाई एल है, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपने कहा 80 वोल्ट का आ रहा है, मान लीजिए एल पे है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो वी ए माइनस वी बी अपॉन एल हो जाएगा। एंड इस केस में जैसे हमने बात करी, तो यहां पर कितना लिख सकते हैं? 80/L। और अगर अब मैं यहां से बात करूं कि एल बाई टू पर, तो एल बाई टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वो सी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो मतलब मुझे यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया कि पर यूनिट लेंथ पर कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। आइए अब इसके उपयोग को समझते हैं। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर का पहला है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर बोला गया कि ये कोई दो सेल है, इनके ईएमएफ को कंपेयर करना है, इनके ईएमएफ के बारे में बताना। प्राइमरी सर्किट बेटा हमको पता होता है। अब मान लीजिए बेटा कि प्राइमरी सर्किट की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि बहुत सिंपली कि जब वन और टू, देखो वन और टू को जब मैं ज्वाइन करूंगा, मतलब ये सर्किट यहां से कंप्लीट हो गया। और जिस मूवमेंट पर बेटा समझना, नल पॉइंट आ जाएगा। नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया? कि यहां से पास होने वाली करंट जीरो हो गई। अगर इससे पास होने वाली करंट जीरो हो गई, इस पॉइंट को बेटा मैं ए बोलूं, तो इस पॉइंट को भी तो मैं ए बोलूंगा बच्चा। और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा बेटा? हेलो बेटा। ओके बच्चे, ओके, बहुत आराम से काम करते हैं ऐसे। बच्चे यहां पर ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है बेटा कि अगर हम यहां पर बात करते, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए और इसका ए, अगर यहां सर्किट से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मान लीजिए किसी सी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहां से अगर कोई पोटेंशियल, यहां से कोई करंट नहीं गया, करंट जीरो है, नल पॉइंट आ गया, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ए और सी के बीच में तो कोई पॉइंट है ही नहीं बेटा। देवांश हेलो बेटा, सूर्या बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम आया बेटा? सूर्या चंदा किस पार्ट में प्रॉब्लम आया आप बता दो, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। आपने पोटेंशियोमीटर पढ़ा या नहीं पढ़ा बेटा एक बार भी? बच्चे बताएं आप, चलो मैं यहां पर आपको समझाता हूं, थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की, आपको आ जाएगा। आई बराबर जीरो, तो मतलब ये सर्किट से कोई करंट नहीं जा रहा है। तो अगर इस सर्किट से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो हम बहुत सिंपली इस बात को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए और सी के बीच का पोटेंशियल होगा, वही तो इस सर्किट के बीच का पोटेंशियल भी हो जाएगा। अगर करंट जीरो है, तो इसको मैं ए डैश बोल दूं और इस एंड को मैं सी डैश बोल दूं जहां से ये जुड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल वी ए माइनस वी सी जो होगा, इट शुड बी इक्वल टू वी ए डैश माइनस वी सी डैश, जो ए और सी डैश के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा। और अगर ऐसा होगा मेरे भाई, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? आप बोलेंगे ई1। करंट कुछ है नहीं, तो आई इंटू आर वन की वैल्यू तो होती, तो ये तो जीरो हो जाता। तो आप बोल सकते थे वी ए माइनस वी सी जो होगा वो ई1 के बराबर ही होगा। बहुत सिंपल सी चीज। तो आपने कहा वी ए और वी सी कैसे निकाले? तो आप बोल लीजिए कि अगर इसकी लेंथ एल होगी, L1 जैसे बोला गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ईएमएफ जो ई1 होगा, इट इज सिंपली इक्वल टू एक्स इंटू L1, वेयर एक्स इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो भी अपन ने समझा, अपन ने पता है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, तो एल लेंथ का कुछ अपना पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं ई1 बराबर XL1। सिमिलरली जब हम कनेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे, अब हमने नीचे वाले से कनेक्ट कर दिया, तो ये सर्किट तो पूरा हट गया यहां से, क्योंकि अब यहां तक कोई कनेक्शन तो रहा ही नहीं। अब हमने नीचे वाले को कनेक्ट कर दिया, तो ये सर्किट किसी काम का नहीं, इसको हटा दिया आपने, क्योंकि भैया ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो अब अगर यहां पर जब इसका नल पॉइंट आएगा, तो वापस से हम बोलेंगे ये पॉइंट ए डैश हो जाएगा, और यही वाला पॉइंट यहां से अब ये पॉइंट सी डैश हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस मूवमेंट पर अगर नल पॉइंट L2 लेंथ पर आता है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? XL2। और यहां से अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो हम कंपेयर कर सकते हैं दैट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है बच्चे,
तो बहुत सिंपल सी चीज, सिंपल कंसेप्ट। कंसेप्ट सिंपल क्या है इसका, कि जब नल पॉइंट आएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अक्रॉस भी होगा, जो सर्किट आपने कनेक्ट किया होगा। यही सिंपल कंसेप्ट है, इसी को पकड़ के चल रहे हैं। आगे आपको क्वेश्चन के थ्रू और समझाता हूं। अब पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 111 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर इज, बहुत सिंपल और बहुत पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन किस पर बेस पूछा गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कितना पोटेंशियल इस वायर के अलोंग होगा पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया। इसकी लेंथ दे दी गई बेटा 10 मीटर, रेजिस्टेंस दे दिया गया 10 ओम, बैटरी दे दी गई 11 वोल्ट की और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया गया 1 ओम का। तो आप सोचा करंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 11 बटे इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 1, दैट इज 11 बेटा, तो कितना आ जाएगा, आई बराबर 1 ओम। तो आई बराबर अगर 1 ओम हो गया तो इसको अगर मैं ए बोल दूं और इसको अगर मैं बी बोल दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वी ए माइनस वी बी, तो आई इंटू आर हो जाएगा, तो आई इंटू 10, इट इज सिंपली इक्वल टू 10 वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी अपॉन लेंथ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो कितना आ जाएगा 10 बटे 10 मीटर, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर। द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इंपॉर्टेंटली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अ 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज ज्वाइंड टू द पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। द अमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी टचेस द वायर एट पॉइंट सी। ए सी इज इक्वल टू, ठीक है। अब बेटा इसी का एप्लीकेशन है, आपसे बोला गया इसका रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल दे दिया गया इंटरनल रेजिस्टेंस, वायर यूनिफॉर्म दे दिया गया, इसकी लेंथ है 1 मीटर। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया बेटा, इसका मतलब सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसी के अक्रॉस आएगा बच्चे। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट 6 वोल्ट पर होगा तो ये वाला 0 पर होगा। महत्वपूर्ण बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यहां पर जो भी बैटरी लगाई जाएगी उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से ही कनेक्ट होगा, तभी पोटेंशियल को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इट मस्ट बी कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल। तो आप इसको हायर पोटेंशियल पर ही कनेक्ट करके रखेंगे तभी जाके पिक्चर सेट हो पाएगी। ठीक है, तो आपने कहा चलो पहला, तो पहले इसमें हमेशा दिमाग में रखिएगा ओरिएंटेशन ऑफ बैटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी नल पॉइंट निकलेगा। ओरिएंटेशन ऑफ बैटरी मस्ट बी सच दैट हायर पोटेंशियल ज्वाइंट विद द हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल मस्ट बी ज्वाइंट विद द लोअर पोटेंशियल, इसका बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप, आपने कहा कि सर देखो ये 6 वोल्ट है और अगर यहां पर जॉकी से करंट 0 हो जाएगा मतलब ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप बोलेंगे वी ए माइनस वी सी इट मस्ट बी इक्वल टू 4 वोल्ट, क्योंकि भैया जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा इसके क्रॉस आना चाहिए। तो सी पॉइंट के क्रॉस, तो आप बोलेंगे सर देखो बी पॉइंट तक मतलब यहां पर ये वायर 1 मीटर का है, इसमें 6 वोल्ट का है, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 6/1 इंटू, मान लीजिए कोई लेंथ एल होगी सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू 4। तो आप यहां से रेशियो डिफाइन कर सकते हैं और एल की वैल्यू बता सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400/6, राइट। तो यहाँ पर 2:3 के रेशियो में डिवीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बेटा ये 2/3 × 100, या इसको लिख सकते हैं 200/3 सेंटीमीटर, और या लिख सकते हैं 2/3 मीटर। तो आप बोल सकते हैं कि सर देखो पूरे में 100 सेंटीमीटर में
6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो 2/3 मीटर में 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि करंट किस तरीके से फ्लो करेगा और इसका सॉल्यूशन आप सभी को पोस्ट करना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पर कोई दिक्कत आए और कोई परेशानी आए तो आप मेरे को यहाँ से सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है आपके अंदर कि एक्चुअली आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग देगा कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो अमीटर और पोटेंशियोमीटर की अगर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वोल्ट मीटर और अमीटर पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, ब्रीफली हिंट दे देता हूं। वोल्ट मीटर सर्किट से करंट को फेच करता है जबकि पोटेंशियोमीटर जब भी लगाते हैं तो करंट जीरो करते हैं, मतलब सर्किट को वो डिस्टर्ब नहीं करता है। यही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है पोटेंशियोमीटर की। तो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग हमेशा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है जबकि वोल्ट मीटर की रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती है। लेकिन फिर भी कई बच्चों के मैंने क्वेश्चन आता है, सर फिर वोल्ट मीटर यूज क्यों करते हैं, पोटेंशियोमीटर क्यों नहीं यूज कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है वो सेटअप बहुत बड़ा होता है, इजिली मोबिलाइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर पाते हैं। वो लैब के अंदर ही रह सकता है, उसको हर जगह लेके नहीं आया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रेशियोज निकालने पड़ते हैं तो जो उसका सेटअप है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको उपयोग में नहीं लेते। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मेरे को टेलीग्राम चैनल पे पिंग करें अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।